चलिए साहब, क्या चल रहा था हमारा? एल्जेरिक फंक्शन चल रहे थे हमारे। तो कल हमारी जो बात हुई थी उसमें हमने बताया था कि अगर a प्लस वन अपॉन ए हमारे पास में p हो, तो अगर डायरेक्ट हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये दो। अगर a माइनस वन अपॉन ए बराबर p हो तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस दो। अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर p हो तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू होता है पी क्यू माइनस तीन पी। और a माइनस वन अपॉन ए बराबर p हो तो ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू क्या होता है, पी क्यू प्लस थ्री पी। ये सारी बातें हो चुकी हमारी कल। अगर a प्लस वन अपॉन ए बराबर एक हो तो ए क्यू बराबर क्या होता है, माइनस वन। इसमें क्या होता है, जब दो घातों का डिफरेंस तीन होता है तो उनका टोटल क्या आता है, जीरो आता है। और एक किया था हमने a प्लस वन अपॉन ए बराबर अगर रूट तीन हो तो a सिक्स बराबर क्या होता है, माइनस वन। इसमें जब दो घातों का डिफरेंस क्या होता है, छः होता है, तो उनका टोटल भी क्या आता है, जीरो। इतनी बात हम कर रहे थे, इसके अलावा कोई बात थोड़ी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान से देखिए अब कि a प्लस वन अपॉन ए देकर के स्क्वायर देख लिया हमने, क्यूब भी देख लिया हमने। अब हम फोर पे चलते हैं। फोर कैसे आएगा भाई, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहले मैं विस्तार से बताता हूँ, यहाँ से उतारना चालू कर देना। यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर क्या हो, p, तो हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर था हमारा पी स्क्वायर माइनस दो था ना, ये तो जानते हैं हम। अब इसका स्क्वायर और करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें हम, तो इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक नया फॉर्मूला तैयार होगा हमारा अब करने पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बताओ, ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी में टू ही रह जाएगा, टू ए बी ये आपस में गुणा होंगे तो खत्म, इससे कट जाएगा ना, तो टू ए बी की बात आ जाएगी तो जाएगा टू ही आएगा बस, बराबर। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसका स्क्वायर खोलो मत, इसका स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे कर दो, राइट। तो ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर जब निकल जाएगा तो दो इधर जाएगा, फिर तो किसका हो जाएगा, दो माइनस का हो जाएगा। तो मतलब क्या निकला इसका, मतलब ये निकला हमारे पास कि ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर जब निकाला जाएगा तो आप इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस दो करेंगे, तो ये पी स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर माइनस दो, उतारो इसको, ये सूत्र बना नया, ये वाला प्लस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इसका स्क्वायर माइनस दो, पहले भी वही था, इसका स्क्वायर माइनस दो।
अब यदि मैं a माइनस वन अपॉन a बराबर p कहता हूं तो इसमें ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का सूत्र क्या था? पी स्क्वायर प्लस दो था। जैसे यहाँ पी स्क्वायर माइनस दो था, प्लस वाले में माइनस था, माइनस वाले में क्या था? प्लस था। अब मुझे फिर इसका स्क्वायर करना है तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर प्लस दो आएगा इसमें, लेकिन फिर दो उधर चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूँगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम और माइनस क्या करेंगे हम? दो करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर हुआ माइनस दो हुआ, अब इसका स्क्वायर होगा माइनस दो हुआ, क्यों? अब तो प्लस आ गया ना, ये प्लस वाले में क्या होता है? माइनस दो होता है। अब चार चार फॉर्मूले हमारे पास में ए प्लस वन अपोन ए से ए माइनस वन अपोन ए से आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हर एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, आप इस पर गौर करिए कि a प्लस वन अपोन दे रहा है तो भी स्क्वायर और फोर में प्लस का चिन्ह आ रहा है, a माइनस वन अपोन दे रहा है तो भी स्क्वायर फोर में प्लस का ही चिन्ह आ रहा है। तो स्क्वायर फोर में हमेशा प्लस ही आएगा आपको। जब हम q की बात कर रहे थे तो प्लस में प्लस ही आ रहा था, माइनस में माइनस ही आ रहा था। दूसरी बात, जब हम प्लस का निकालते हैं स्क्वायर तो माइनस दो करते हैं, अब इसका स्क्वायर फोर बनेगा, ये लाइन खत्म करनी बीच में से, तो इसका स्क्वायर फोर बनेगा तो इसका स्क्वायर करना है माइनस दो करना है, तो प्लस है ना। तो ये प्लस वाले में क्या होता है? माइनस दो होता है, यहाँ प्लस बन गया फिर ये, इसमें माइनस दो होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लिए उतार लिया ना, क्वेश्चन लिखो। अब यहाँ आपके लिए आया तीन और आंसर पूछा भाई ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर बताओ। तो ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर बताओ, ये सवाल है। तो क्या करना है बताओ हमें? इसका स्क्वायर माइनस दो, पहला काम बोलो इसका स्क्वायर माइनस दो बताओ, इसका स्क्वायर माइनस दो तो उससे तो स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करो नौ, दो घटाओ, फिर स्क्वायर करो, फिर दो घटाओ, आंसर ये जो था इसका स्क्वायर माइनस दो, फिर जो आया था उसका स्क्वायर माइनस दो था। तो यदि मुझे ए फोर चाहिए तो क्या करना है हमें? तीन का स्क्वायर माइनस दो और फिर इसका होल स्क्वायर माइनस दो, यही था ना, पी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस दो। तो बताइए क्या है ये? 47। अगला क्वेश्चन, पांच दे दिया है। ए माइनस वन अपॉन ए फाइव बोलो, पांच का स्क्वायर, अब प्लस दो करूं माइनस दो करूं? प्लस दो, माइनस वाले में क्या होता है? प्लस दो होता है। पहले सत्ताईस हो गया, सत्ताईस का स्क्वायर,
27 का स्क्वायर याद है? 729, फिर माइनस 2, आंसर बोलो। 727। तो सबसे पहले 75 का स्क्वायर प्लस 2, फिर स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना भाई? माइनस वाले में प्लस आता है पहले, फिर स्क्वायर स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2 होगा। तो ये हो गया 27 का स्क्वायर माइनस 2, 27 बराबर 729, तो ये आ गया 727। 727 अब ये रिवर्स गियर भी मानता है, सवाल ऐसे ही नहीं आते। क्वेश्चन आता है कि भाई ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर 727 है, उल्टा बोल दिया आप, इसकी वैल्यू दे दी और ये पूछ रहा है आपसे ए माइनस वन अपॉन ए बताओ, इसको गेस करें, इसमें दो जोड़ो, उसका रूट लो, दो जोड़ा 729 रूट लिया तो 27। अब यदि माइनस सी है तो दो घटा दो, प्लस सी है तो दो जोड़ दो, 27 में दो घटाओ, बरमूल लो, पांच। यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां आना है तो पहले स्क्वायर किया प्लस 2 किया, उसका स्क्वायर किया माइनस 2 किया। अब यदि ए फोर से ए प्लस वन अपोने पर जाना है तो पहला काम तो ये कि दो जोड़ के बरमूल लेना है हमेशा, फिर दूसरा काम है कि प्लस सी है तो दो जोड़ के रूट लो, माइनस सी है तो घटा के रूट लो, 700 इधर आ जाओ, 47 में दो जोड़ो, 14 का रूट लो 7। अब प्लस सी है माइनस सी है तो दो जोड़ो, रूट लो, पहुंच गया, पहुंच गए। यहाँ क्या था, शुरुआत में दो जोड़ना ही हमेशा, चाहिए हो चाहिए हो, दो जोड़ो 729 रूट लो 27। अब चिन्ह देखो, माइनस सी है तो दो घटाओ, 25 रूट बताओ 5, डायरेक्ट कर सकते हैं। सूत्र बता देता हूँ आपको मैं, अगर आपको ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर दे रखा हो और ए प्लस वन अपॉन ए निकालना हो, तो क्या होगा? ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर जो भी मान आएगा उसमें दो जोड़ना है, उसका क्या लेना है बताओ, रूट लेना है, फिर प्लस सी है, हमें प्लस सी है ना, तो फिर क्या करना है, इसमें दो जोड़ना है और फिर पूरे का क्या लेना है, रूट लेना है। यहां वैल्यू क्या आई थी अभी, 729 दो जोड़ने पर, रूट लिया 27, तो ये माइनस, अच्छा प्लस सी तो प्लस दो कर दिया मैंने, और माइनस सी तो इसमें प्लस वाला 5 वाला था हमारा, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आएगी वो अपना रूट में आ जाए, पूरी पूरी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी फोर की वैल्यू आएगी उसमें दो जोड़ना है, फिर क्या लेना है, रूट लेना है, फिर अगर प्लस है तो प्लस दो करना है, फिर पूरा रूट लेना है। अगर ए माइनस वन अपॉन ए चाहिए तुम्हें तो क्या होना बताओ, ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर प्लस दो, ये तो होना ही फिक्स है, तो अंदर वाला, इसमें भी इसमें भी। अब माइनस सी है ना, तो क्या करना है, माइनस दो, फिर क्या लेना है पूरे का, रूट लेना है। इसको उतार लो अब, अब देखो इससे मैच करा लो आप, 727 और 2 729, 27 दो घटाओ 25 रूट लो 5, इसमें हमारे पास में 47 था, 2 49 रूट लो 7, दो जोड़ो 9 रूट लो 3, 3 ही था उसमें। नया सवाल लिखो,
ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर बराबर इसको 194 कर देना 194। तो a प्लस वन अपॉन ए बताना है, a प्लस वन अपॉन ए बताइए मुझवानी। दो जोड़ो 196 रूट लो 14 प्लस है ना, फिर दो जोड़ो रूट लो आंसर। ऐसे आएगा ना चार आंसर। चार आंसर सही है। वन वन नाइन माइनस बताना है, दो जोड़ो एक सी रूट लो 11। अब दो जोड़ू घटाऊं, माइनस सी है ना तो घटाओ, 11 में दो घटाओ 9 का रूट लो आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन हमको रिवर्स वाला ही आता है, ये ध्यान रखना है हमको। तीन आंसर सही है ना, कोई डाउट यहां तक? अभी हमने सीखा था a प्लस वन अपॉन ए जब p होता है तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू बताओ क्या था, पी क्यू माइनस थ्री पी था, क्यू वाले फॉर्मूले था। अब ये तो तब की बात है जब a और s का कोई मल्टीपल नहीं है। अब मेरे पास आ गया सवाल 2x प्लस वन अपॉन थ्री एक्स बराबर पी, इसका मल्टीपल टू आ गया है, इसका मल्टीपल थ्री आ गया है। अभी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स नहीं है, अभी टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स है। ऐसी शक्ल का सवाल आता है, कोई वैल्यू दे रखी है आपको, फिर इसका क्यूब करवाता है, इसका क्यूब बताओ क्या होगा, आठ एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब प्लस, या मैं इसको ए एक्स कर देता हूँ, मैं ए एक्स या बी एक्स कर देता हूँ, सूत्र बन जाएगा फिर। इसका क्यूब बताओ ए एक्स का क्यूब, इसका क्यूब बताओ बी एक्स का क्यूब, तो उत्तर तो वही हमारा पी क्यू माइनस तीन पी। जब क्यूब करवाता है तो ये उत्तर होता है हमारा, भाई इसका भी क्यूब तो है ये, इसका भी क्यूब ही है, तो हमारा उत्तर तो ये होता है। लेकिन यहां कौन मल्टीपल बैठा है, ए, तो यहां ए चिपकेगा, बटे में कौन बैठा है, बटे में भी आ जाएगा आंसर।
नोट करो इसको, ऊपर ए है नीचे बी है, तो बस ए ऊपर बी नीचे गुणा कर दो इस पोर्शन में, यहाँ कोई चेंज नहीं। सही है ना? मान बताओ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आपको आइडिया लगाना है, क्या इसका क्यू दिख रहा है हमको? दिख रहा है। इसका क्यू भी दिख रहा है? दिख रहा है। तो हम जानते हैं डायरेक्ट 8x³ + 1/27x³ बराबर, सूत्र होता है हमारा पी क्यू, पी क्यू का मतलब 4³ - 3p, तो 3p तो आई हमारे पास। बताओ किससे गुणा करूं? 2/3, 2/3, 3 से 3 गया, 64 - 8 आंसर बताओ। आंसर यही सवाल होंगे, अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सवाल आते हैं पूरा आधा पेज भर जाएगा इसका, पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाता है सवाल को। सवाल तो आ रहे हैं आजकल, एक लाइन में 3 स्टेप, मतलब एक लाइन में कैसे होगा वो सीखना पड़ेगा हमको। अब ये सीखना ही पड़ेगा हमको ऐसे। अब मैं क्यों करूँ, फॉर्मूला लिखूँ, तो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं हमारे पास में। डेस्क्रिप्टिव में तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, फॉर्मूला भी जानना पड़ता है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है हमारे पास जो यहाँ की है वही है। बस ध्यान ही रखना है कि इसका जो मल्टीपल है, ए है तो ए ऊपर बी है नीचे। आगे बढ़े, अगला लिखो। यदि 2x + 1/x = 5, तो 8x³ + 1/x³ का मान बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/x³। राइट, तो 8x³ + 1/x³ को सबसे पहला काम है कि आपको शक्ल चेक करनी है। क्यूब है, बिल्कुल है, क्यूब है, बिल्कुल है, तो सिस्टम काम कर रहा है। कई बार क्या चालाई करता है, उल्टा कर जाता है इसको, ये इधर ये इधर, उसका भी इलाज करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पी क्यू बताओ, 5³ - 3×5× बताओ 2/1, 2/1
क्यू बताओ क्या होता है, 1 2 5 पांच के पंद्रह 30, 30 माइनस हो जाएगा 25 माइनस होता है 100 बचते, 5 और कम करो भाई इसका मल्टीपल 2 है, यहाँ तो कोई है ही नहीं तो 2/1 हो गया ना। अगर यहाँ पर 5 2 होता तो वो लिखते हम, ऊपर वाली ऊपर आएगी नीचे वाली नीचे आएगी, जैसे यहाँ हुआ था 2 ऊपर आया था 3 नीचे आया था, वो तो था ही हमारा ओरिजिनल पी क्यू माइनस 3 पी। कोई डाउट? अगला लिखो, फटाफट आंसर बता दीजिए आप। अच्छा मौसम खराब कर दिया इसमें। यस, यहां ध्यान से देखो आप कि ये 2x है तो यहां 8x क्यू आना चाहिए था, यहां अब ये x होगा तभी तो x क्यू बनेगा, यानी इस 2 को हटाना है तुम्हें और यहां 2 लाना है तुम्हें, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसको। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा फिर दोनों पक्षों को करना पड़ेगा। कोई मैथमेटिक्स के अंदर कोई इक्वेशन में कोई ऑपरेशन करते हैं हम तो दोनों साइड में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिकली, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों पक्षों को 2 से भाग, अब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर एक्स ही आएगा, 2 का भाग दिया इसमें तो एक्स रह गया और यहाँ 2 का भाग दिया तो 2x बन जाएगा, बराबर यहाँ 2 का भाग दो 3। अब मैचिंग बैठी है इसकी, इसका क्यू करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, इसका क्यू करेंगे तो 8x क्यू आएगा, एस शक्ल मिल गई ना, अब कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू माइनस 3p इनटू बताओ क्या लिखूं, 1/2, यहां 1 है यहां 2 है, 1/2। अब ये हो गया 27, ये 9 का आधा 4.5, भाई 9 में 2 का भाग दे रहे ना, समझ में आ रही बात, 4.5 घटाओ 22.5 आंसर, ये ध्यान रखना है बस, यही बदलाव होता है इसमें, वो 2 और 3 से काम चल जाता है बस, मैक्सिमम 4। क्यू का काम हो गया, 4 का काम हो गया, अब हम और आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। चले आगे, मैंने आपको बताया था a प्लस 1/a जब p होता है तो a स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है बताओ, p² - 2 होता है, और a क्यू प्लस 1/a³ क्या होता है, p³ - 3p होता है। ये बातें हम सीख चुके हैं, अब मैं 5 की तरफ जाना चाहता हूँ। 5 कब बनेगा, जब ये दोनों भिड़ेंगे, या 4 के साथ 1 ले लो, या 2 और 3 को इकट्ठा करो, जब ये आपस में इंटू होंगे तो 5 वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, जो ए क्यू इंटू ए स्क्वायर, तो 3 पावर इसमें 2 पावर इसमें 5 पावर बनेंगी ना, इन दोनों को इंटू करो, सूत्र बनकर तैयार होगा, अभी फिर उसको रट लेंगे हम। अगला
अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटू करता हूं, इन दोनों का, इन दोनों का इंटू करूंगा मैं, तो डायरेक्ट कर दूं, इसको लेता हूं पहले मैं, इसको इससे इंटू करो ए फाइव, इसका इससे करो ए स्क्वायर, ऊपर है ए क्यू नीचे है, तो वन अपॉन ए, लिख ही देता हूं एक बार, इसका ऐसे कर रहा हूं तो ए क्यू, चलो एक बार प्रॉपर ढंग से लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका है और इसका क्या बताओ, ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू इसका है और इक्वल टू ये था हमारा पी स्क्वायर माइनस दो और ये था हमारे पास पी क्यू माइनस कितना तीन पी, इसकी बात कर रहे हैं, इसका ऐसे गुणा करो ए फाइव, इसको पकड़ लिया मैंने, इससे किया तो ए फाइव, इसका ऐसे करो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म वन अपॉन ए, इसका दोनों से हो गया, समझ रही बात, इसका ऐसे किया तो ए फाइव और ए स्क्वायर से ए क्यू कटेगा तो दो दो पावर कट गई, एक तो बचेगा भाई, इसमें एक एक दो खंडे हैं, इसमें एक एक तीन खंडे हैं, तो एक तो बचेगा ना, अब इसको पकड़ो, इसका इससे गुणा करो, ऊपर तीन है नीचे दो है, अब तो ऊपर एक बचेगा तो ए बचा, इसका इससे करो वन अपॉन ए फाइव, बच गया, इधर आ जाओ, इसका इससे करो पी पांच, इसका इससे करो माइनस तीन पी क्यू, इसका इससे किया तो पावर पांच बन गई, इसका इससे करेंगे तो दो पावर इसमें एक पावर इसमें तीन पावर बन गई, माइनस ही आएगा, इसका इससे करो माइनस टू पी क्यू, इसका इससे करो तीन दूनी छः प्लस का माइनस का, ये माइनस तो प्लस का छः पी सिक्स पी, अब मुझे बता दो आप इसका मान जानते हो कि आप क्या जानते हैं P, तो ये P है, ये P उधर जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा बताओ, यहाँ रह जाएगा हमारे पास A5 पाँच प्लस एक बटे ए पाँच बराबर, इसको उधर ले जाऊँगा मैं P5 फाइव तीन और दो पाँच पी क्यू प्लस छः पी, तो ये है और एक पी ये है, तो एक पी उधर घटेगा जुड़ेगा घटेगा, तो प्लस का है उधर जाएगा तो घटेगा इसमें से, तो ये बताओ कितने पी रह जाएंगे इसमें, पांच पी रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भैया कौन है पी है पूरा, पी उधर गया तो छः में से घट गया कितने बचे, अब सूत्र बन चुका है, ये फॉर्मूला हमको रटना है, अब आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, आपको तो अब इसको याद करना है, बस याद करना बड़ा आसान है इसको, जब Q की बात हुई थी तो पी क्यू माइनस तीन पी आया था, अब पांच की बात हो रही है तो पांच से ही चालू हुआ है, और पावर देखो पांच तीन एक विषम घट रही है, स्क्वायर क्यों, ये इसका इससे इंटू किया तो टू पी क्यू और इसका इससे किया तो थ्री पी क्यू, स्क्वायर को पी क्यू, ये तो पी स्क्वायर है, ये पी है तो पी क्यू हो गया, तो मैं कह रहा हूँ आपसे याद करने का आसान तरीका, तीन पांच पावर यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, फिर एक पावर है, पांच तीन एक, पांच सी हमको तो पी फाइव तो आना ही है, और देखो पांच ही आ रहा है, जैसे तीन वाले में तीन आ रहा था, पांच वाले में पांच ही आ रहा है, और इसमें अल्टरनेट चिन्ह चल रहे हैं प्लस माइनस प्लस, अगर ये हमारा माइनस होता सूत्र यही रहेगा, सारे चिन्ह प्लस हो जाएंगे, प्लस आएगा तो अल्टरनेट चिन्ह आएंगे प्लस माइनस प्लस, जैसे क्यू में देख रहे थे हम, प्लस वाले माइनस आ रहा था, माइनस वाले में प्लस आ रहा था, इसमें क्या होगा, अगर प्लस वाला दे रखा है तो पांच तीन एक और तो आएगी, लेकिन अल्टरनेट चिन्ह आएंगे, इसको याद कर लो, नोट करो पूरा आप,
रटना है इसको हमें। अब जब कई बार क्वेश्चन करते तो याद हो जाते हैं, अभी हम क्लास में कर रहे हैं, फिर अलग प्रैक्टिस में आएगा, उसके बाद में टेस्टों में आएगा, कई प्रोसेस चलेंगे यहाँ पर, तो वो रट जाएगा सिस्टम। इतना काम होता है यहाँ पर कि आपको घर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर तो बस रिवीजन करो आज क्या हुआ, क्लास का रिवीजन बस। ठीक है ना, ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपके लिए, कई बार क्या होता है कि बेसिक चीज़ हमको आनी चाहिए, खाली शॉर्टकट से हमें ज़्यादा देर तक फाइल स्टोर नहीं रहती माइंड में, तो हाँ सवाल तो शॉर्ट से ही करेंगे हम। अब मैंने आपको बताया कि a प्लस वन अपोन a बराबर जब p होता है तो a पाँच प्लस वन अपोन a पाँच क्या होता है, पी फाइव माइनस फाइव पी क्यू प्लस फाइव पी, यही है ना। अब यदि मैं आपको दूसरा देता हूँ ए माइनस वन अपॉन ए पी, और फिर आपको ए फाइव माइनस एक बटे फाइव, माइनस में माइनस ही आएगा, ये प्लस में प्लस ही आएगा, ये और वाला वही चिन्ह में आता है, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, सॉरी बोलो P5 प्लस 5PQ प्लस 5P, इस माइनस वाले में सारे प्लस आएंगे, सूत्र वही है, सब प्लस जाएगा। अब आप ताज्जुब करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है ना लेक्चरशिप के लिए, उसमें क्या क्वेश्चन दिया आपको बताता हूँ मैं आपको भी, मतलब हमारे और एग्जाम तो आते ही रहते हैं, एसएससी बैंक रेलवे इनमें सब आते ही रहते हैं। उसने क्वेश्चन दिया यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स फाइव का मान बताओ, ये क्वेश्चन आया था। सब छोड़ा है, जो इन क्लासों में पढ़ रहे थे बच्चे उक रहे सब भाई, ओनली जो लेक्चर से भी तैयारी करता है वहाँ मैथ नहीं पढ़ रहा, इतनी मैथ कराते हैं भाई जो तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की, वहाँ पूरी मैथ थोड़ी कराते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है, कम क्वेश्चन तो कम टाइम, वहाँ पाँच क्वेश्चन आ रहे हैं केवल, तो पाँच क्वेश्चन लिए पाँच मिनट थोड़ी पढ़ेंगे, तो उसमें वही लिमिटेड चीज़ पढ़ाई जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्लास होती है बेसिक क्लास है, ये आप कुछ भी दो, कोई एग्ज़ाम दो सेंटर का स्टेट का आपका, बिल्कुल सब कुछ तैयार, एग्जाम देते ही ना हम, कोई वैकेंसी निकलती है तो बेस हमारा पक्का होना चाहिए बस। अब मुझे बताओ अगर पांच पूछा है तो आपको सकल लानी पड़ेगी x प्लस वन अपॉन एक्स वाली, तो पांच तो हम x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल पाएंगे ना, जैसे a प्लस वन अपॉन एक्स निकाल रहे हैं हम, तो इसको हम सॉल्व भी करने लगे तो इसके खंड नहीं हो रहे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः बराबर जीरो, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, खंड कर देंगे तीन दूनी छः, तीन और दो पाँच, तीन और दो खंड हो रहे हैं इसके, आंसर निकल जाता है एक्स का मान तीन और दो, ठीक है ना। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, इसके खंड ऐसे करते हैं कि जोड़ने पर तो ये आ जाए, घटाने पर आ जाए, इन टू करने पर ये आना चाहिए, तो तीन दूनी छः, तीन और दो पाँच, तीन और दो खंड होंगे इसके, दो पार्ट कर देंगे इसके हम, ऐसा तो है नहीं ये, तो x का मान तो नहीं निकाल सकते आप, निकालना भी चाहेंगे तो वो श्री द्राचार्य विधि से निकला, रूट में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि ऐसी शकल आई है सवाल में तो 100% वो x प्लस वन अपॉन एक्स वाले फॉर्म में जाएगा, उसी से निकाल पाएंगे हम। मैं इसमें दोनों पक्षों को x का भाग दे दूँ क्या, x का भाग एक्स से भाग दे रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, क्योंकि ये बिल्कुल रट लो, ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है, और कोई भी द्विघात समीकरण आएगी उसमें हमेशा आपको एक्स का भाग देना पड़ेगा, ए तो ए का भाग देना पड़ेगा, वाई ए तो वाई का भाग देना पड़ेगा, तब वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी अपने आप। देखो आप
एक्स का भाग दो इसमें, एक्स का भाग दो, एक्स, एक्स का भाग दो तीन, एक्स का भाग दो वन अपॉन एक्स बराबर जीरो में एक्स का भाग दो जीरो। अगर आपने यहाँ पर देखा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, तीन आ गया है। अब पहुँच गए ना अपने रूट पर हम। अगर ये देखे ये पूछता तो सवाल और आसान होता हमारा इस टाइप से। अब उसने पहले इसकी फॉर्म तैयार करवाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक्स पाँच प्लस एक बटे एक्स पाँच चाहिए, तो बताओ इसके क्या करूं, पी फाइव, पी फाइव हो गया। अब तो यही रूप आ गया ना, तो पी का मान कितना है यहां पर, अब तीन है, तो तीन पावर पांच कर दूं। जैसे यहां पर पी की पावर पांच है तो तीन पावर पांच कर दिया, बताओ क्या करूं लास्ट, तीन या पांच, पांच इंटू तीन की पावर कितना, तीन प्लस पांच इंटू कितना, हो गया सवाल। तीन पावर पांच खोलो, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी तिया दो सौ चालीस, ये टू फोर थ्री हो गया, नौ पंजे सॉरी सत्ताईस पंजे एक सौ पैंतीस हो गया, और ये पंद्रह हो गया, पंद्रह कम करो एक सौ बीस रह गया, एक सौ बीस कम करो वन टू थ्री आंसर। ठीक है ना, तो सवालों का बस तरीका समझना है हमको, सवाल टफ नहीं होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है अब ले है इसकी बस। एक्स प्लस वन ओपन एक्स ही चल रहा है कल से, कितने टाइप के सवाल बना सकते हैं वो सब चल रहा है यहाँ पर। पांच तक पहुंच चुके हैं हम, आगे बढ़े फिर, अब सात पे चलते हैं, मैक्सिमम सात तक आता है हमको, इसको मिटा दूं। वैसे सात तक तो एक परसेंट आता है, 99% आता है पांच तक। अभी मैंने आपको a प्लस वन अपॉन a बराबर जब p दिया तो ए क्यू प्लस या फाइव ही ले लेते ना, फाइव में क्या आया था अभी, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या आया था बताओ, पी स्क्वायर माइनस दो आया था, प्लस में माइनस दो आता है, और ए फाइव प्लस वन अपॉन ए फाइव बराबर क्या आया था अभी, पी फाइव माइनस फाइव पी क्यू प्लस फाइव पी, ये चीज़ याद कर चुके हैं हम। अब इन दोनों की जब भिड़ंत होगी तो सेवन तैयार होगा, पाँच को दो मिलेगा ना, तो क्या बनेगा हमारा सेवन वाला, तैयार करते हैं अब। देखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर को इनटू करना है ए फाइव प्लस वन अपॉन ए फाइव से, इधर की साइड में बताओ क्या है, पी स्क्वायर माइनस दो है और पी फाइव माइनस फाइव पी क्यू प्लस फाइव पी है, गलत तो नहीं लिखा है, देखो आप तो एक भी चिन्ह गलत होगा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सरलीकरण चल रहा है ना, बोलो इसको पकड़ लिया मैंने, बोलो ए सेवन इसका ऐसे किया, इसका ऐसे करो ए क्यू, ए क्यू इसको इससे किया तो ए सेवन, इससे दो पावर खत्म, तीन रह गई यहाँ पर, यहाँ ऊपर तीन रह गई, फिर ये वन अपॉन ए सेवन आ गया, ये अलग से आ गया है, इसको मान रख देंगे हम बराबर। इधर आ जाओ, पहले पी स्क्वायर पकड़ते हैं, पी स्क्वायर से पी फाइव बताओ,
पी सेवन, साथ साथ चलना, इसका ऐसे बताओ माइनस पाँच पी, बोलो पावर, ये पी सेवन आ गया, इसका ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो माइनस ये आएगा पाँच पी तीन, यहाँ दो यहाँ पाँच, इसका ऐसे करो प्लस पाँच पी स्क्वायर यहाँ पी यहाँ क्यूब, इसका मैंने तीनोस कर दिया है, अब मैं इसका तीनोस करूँगा, तो देखो माइनस का है, तो ये माइनस आएगा, ये लेने क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा इसमें, तो बताओ आगे क्या आएगा, माइनस दो करो, माइनस टू पी फाइव प्लस पाँच दूनी दस पी क्यूब, और इसका ऐसे करो माइनस दस पी, चेक करो सही है क्या, इसकी वैल्यू पुट कर दे, ये कौन है, पी क्यू माइनस तीन पी क्यूब है ना ये, तो पी क्यू माइनस तीन पी उधर ले चलेंगे हम, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है पी क्यू माइनस तीन पी, यही है ना, इसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा ए सेवन प्लस वन अपॉन ए सेवन बराबर, इकट्ठे करते हैं थोड़ा सा, ये क्या आ गया पी सेवन, अब देखो सेवन तो और तो कहीं है नहीं, पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर है, तो पाँच और दो सात पी पाँच, इन दोनों का हो गया प्लस क्यू और क्यू, दस और पाँच पंद्रह क्या पी क्यू, और कौन रह गया माइनस दस पी, इसको तो ले चलो माइनस का पी क्यू और प्लस का कितना तीन पी, ये उधर गया देखो, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना, अब मुझे बताओ इधर क्या हुआ, आप ए सेवन प्लस वन अपॉन ए सेवन पी सेवन पांच, ये फिक्स है पांच, अब मुझे बताओ ये कितने बचे, पंद्रह पी क्यू प्लस के हैं और एक पी क्यू किसका है माइनस का है, तो कितना हो बताओ चौदह पी क्यू, और बताओ माइनस कितना पी, दस तो माइनस के और तीन किसके हैं प्लस के, तो माइनस बताओ कितना सेवन, देखना पूरा हो गया क्या, पूरा हो गया क्या, तो इसको भी याद करना टेढ़ा नहीं है, गौर से देखो इसको, अब अल्टरनेट चिन्ह आ रहे हैं क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस, पावर देखो घटते क्रम है सात पांच तीन और एक, उसमें क्या रहा था पांच तीन एक, इसमें रहा सात पांच तीन एक, सात से चालू है तो सात ही आ रहा है देखो यहां पर, फिर पांच आया फिर तीन आया फिर एक आया, बस सावधानी, उसमें देखो क्यू वाले में पी क्यू प्लस तीन पी था, तो यहाँ देखो सात आ रहा है लास्ट में, वहाँ तीन में तीन आ रहा था, पाँच में पाँच आ रहा था, बस ध्यान क्या रखना है, इन दोनों का ध्यान रखना है बस, तो अब हम इसको याद कर लेंगे कि जब ए प्लस वन अपॉन ए पी होता है तो इसका मान ये होता है, तो इसको मैं बंद कर देता हूं ब्लॉक में, ये याद करना है बस हमको, तो ये बहुत कम आता है लेकिन आता है, इससे बड़ा आज तक नहीं आया एसएससी के इतिहास में इस ग्रुप के अंदर, पावर तो बड़ी आ सकती है, सौ भी पावर आ सकती है, हजार ही पावर आ सकती है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर ए प्लस वन अपॉन की जब वैल्यू देता है हमें, तो इस ग्रुप के अंदर जो इसमें चलते हैं हमारे विषम में, इसमें मैक्सिमम सात तक ही आया बस। अब यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास में ए माइनस वन अपॉन ए बाई पी है, अब मुझे बता दो आप कि ए क्यू ए सेवन माइनस वन अपॉन ए सेवन क्या आएगा, तो डायरेक्ट लिख दें अब
सबसे पहले बोलो क्या लिखूं? पी सेवन प्लस, तो सारे प्लस आएंगे इसमें, माइनस वाले में सारे प्लस आएंगे, सूत्र यही रहेगा, माइनस वाले में सारे प्लस कर दो, सेवन पी फाइव प्लस चौदह पी क्यू प्लस सेवन पी। तो सबसे बड़ा फायदा है कि फॉर्मूलों की संख्यात्मक वैल्यू वही है, चिन्ह बदलना है बस, इसमें अल्टरनेट साइन है, उसमें सारे प्लस के साइन है, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में अल्टरनेट साइन है। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमने छोटे छोटे रूप में ढालने के लिए पूरी विधि हम बताएंगे आपको, क्योंकि इनको छोड़ देते हैं बच्चे, बोले ऐसे सवाल नहीं करते हम, जबकि सिलेक्शन इन सवालों से होता है, सिंपल सवालों को सब बच्चे करके आते हैं, सिलेक्टर क्वेश्चन वही होते हैं जो टफ आता है, जितना टफ पेपर रहेगा उतना ही बच्चों को, तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। तो इसलिए आपको किसी सवाल को टफ नहीं समझना है, और कई बार ऐसा होता है बोले सर क्या बड़े बड़े सवाल बता रहे हैं, कितना विस्तार से बता रहे हैं, मेरा स्टाइल अलग है पढ़ाने का, आज से नहीं वही 25 साल से है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि मेरे सामने चाहे एक बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हों, मेरी कैपेसिटी है 90 बच्चों को एक साथ चेक करने की 10 सेकंड में, 90 बच्चों को 10 सेकंड में चेक कर सकता हूँ किस किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा है, ये कैपेसिटी होती है टीचर की। तो आपके चेहरे बताते हैं मैं कहाँ चल रहा हूँ कहाँ नहीं चल रहा हूँ, आपकी जो फेस रीडिंग होती है बताती है कि भाई आपके अंदर जा रही चीज़ नहीं जा रही है, ये प्रैक्टिस है, लाखों बच्चों के सामने रहा हूँ मैं तो ये प्रैक्टिस होती है भाई, आप पूछो चाहे मत पूछो कि भाई हाँ ठीक है चल रहा है सिस्टम। हाँ कई ऐसे चेहरे होते हैं जो फीलिंग नहीं दिला पाते, अभी एक बच्चा था हमारा जब लाल कोठी में चलता था तब की बात है, तो एक बड़ा हॉल था ऐसे ही स्टेप से, तो उसमें बच्चे काफ़ी बैठे थे, तो एक बच्चा आता वो डेली और पीछे पीछे बैठ जाता, वो बिल्कुल एकदम शांत ऐसे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, बच्चे और खिलखिला रहे हैं हंस रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल एकदम शांत। मैंने कहा यार या तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई गड़बड़ है, तो हमने उसको दो दिन देखा तीन दिन देखा, चौथे दिन बच्चे को बुला लिया मैंने, मैंने कहा मेरे से मिल के जाना आप। अब वो बच्चा था विद्याधरनगर से, मैंने पूछा भैया तेरी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि साहब? फुल आनंद आ रहा है। उसका जवाब था कि फुल आनंद आ रहा है। मैंने कहा फुल आनंद को दर्शा सही यार, मतलब चेहरे चेहरे पर कोई मूवमेंट नहीं होता है कि बोले सर मैं पूरे कोर्स का एडमिशन है मेरा यहाँ पर मॉनिटर में, मैं आपकी क्लास लेने के लिए विद्यानगर से आता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं तैयार हूँ सब कुछ करके, बस मैं आपकी स्टाइल देखता हूँ आप कैसे पढ़ाते हो उसको देखता हूँ मैं, और कोई चीज़ आती मैं उतारता भी हूँ उसको, मुझे नई चीज़ लगती है। तो मैंने कि तो हर एक तरह के चेहरे होते हैं मतलब, तो मुझे पूरी पढ़ाई के दौरान एक ही बच्चा ऐसा मिला जिस पर कोई मूवमेंट नहीं था। मैंने कि मुझे मूवमेंट चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं अंदर, आप कितनी तैयारी करो, एक बच्चा कम पढ़ के भी प्रसन्न रह रहा है और एक पूरा पढ़ू बना हुआ है, 14-14 घंटे पढ़ रहा है, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, एकदम घुसा हुआ है पढ़ाई के अंदर, फिर भी नहीं निकल पा रहा है वो। तो आप चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, एकदम कूल रह पढ़ो आप, कूल नहीं हो पा रहे मन नहीं लग रहा है पढ़ाई मत पढ़ो, टाइम वेस्ट है आपका, लेकिन पढ़ो अभी के साथ मन लगता ही नहीं कभी पढ़ने में, ऐसा तो नहीं सकता नहीं लगता है, टारगेट को सामने रखो और एकदम प्रसन्नचित होकर पढ़ो कि भाई कोई चीज़ हमने बताई आज, अब घर जाकर इनको देखना, आप इंटू करके देखना है इनको, आप कहीं कहीं लोड पड़ेगा ना इसमें, बड़ी चीज़ की हमने तो एक साथ तो हजम नहीं होती बातें, कई चीज़ें नहीं है हमारे पास में, लेकिन फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा। अब यदि मैं कहता हूँ आपसे एक सवाल लेते थे इसमें हम, चलो सवाल का टाइम तो निकल गया हमारा, ये तो उतार लिया ना हमने, तो ये हमारा आज का अंतिम है, इसी को करते हैं पूरा, इसके बाद में हम मंडे को करते हैं, ठीक है ना, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ओके।